लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में ब्लड सैंपल की जांच रिपोर्ट देने घंटों लग रहे हैं। इससे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। ब्लड जांच के लिए यहां उपलब्ध ऑटोमेटिक मशीन का केमिकल रिजेंट खत्म हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में ब्लड की जांच करने उपलब्ध ऑटोमेटिक मशीन का केमिकल रिजेंट खत्म हो चुका है, जिससे मरीजों की सैंपल जांच करने घंटों लग रहे हैं और उन्हें जांच रिपोर्ट देने अगले दिन बुलाया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल को ऑटोमेटिक मशीन दी थी, जिसमें केमिकल की उपलब्धता रहने से मरीजों की खून जाँच की जाती थी। केमिकल खत्म होते ही मशीन बंद हो गई है, जिसके कारण मरीजों को रिपोर्ट देने में एक दिन का समय लग रहा है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र ने बताया कि केमिकल रिजेंट देने के लिए वह कई बार CGMSC को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन रिजेंट नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से अस्पताल में सभी जाँच मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से करनी पड़ रही है। पूर्व में ऑटोमेटिक मशीन में रिजेंट की उपलब्धता होने से मरीजों को ब्लड जांच की रिपोर्ट तुरंत मिल जाती थी। अब मरीजों को दूसरे दिन ब्लड जांच की रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे उनका इलाज भी प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑटो एनालाइजर का जो है रिजेंट अभी तक से अस्पताल को प्राप्त नहीं हुआ है, इसके बारे में बार बार हम लोग के द्वारा CGMSC को पत्र लिखकर रिजेंट की मांग की है। ऑटो एनालाइजर से काम जो है तुरंत हो जाता है, और सेमी ऑटो एनालाइजर से जो है काम थोड़ा सा धीरे होता है, तो मरीजों को तो जरूर प्रभाव समय का लग रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ऑटो एनालाइजर का रिजल्ट मिल सके। गौरतलब है कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रोजाना लगभग 300 मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं। 250 से 300 जांच प्रतिदिन पैथोलॉजी में होती है। इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन दी गई थी, जिसके बंद रहने से खून जांच कराने पैथोलॉजी पहुंचे मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।